हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पार्ट 14। व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी एनकम्पास करती है यूनिक पैटर्न ऑफ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि डिफाइन करती है इंडिविजुअल्स को और डिस्टिंग्विश करती है उनको फ्रॉम अदर्स। ये जो है सम होता है टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल्स थॉट, इमोशन, बिहेवियर, एटीट्यूड्स और ट्रेट्स का, जो कि दैट रिमेन रिलेटिवली कंसिस्टेंट ओवर टाइम, जो कि कंसिस्टेंट रहता है ओवर टाइम एंड अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस। कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी। पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो है ज़्यादा रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थिंकिंग होते हैं, फीलिंग होते हैं, साथ ही साथ बिहेविंग दैट एंड्योर ओवर टाइम। वाइल पीपल में एग्जिबिट वेरिएशन इन देयर बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन, देयर अंडरलाइंग पर्सनैलिटी ट्रेट्स टेंड टू बी रिमेन कंसिस्टेंट। जो लोगों का जो है अपना बिहेवियर होता है, पैटर्न होता है थिंकिंग का, ये जो है ज़्यादातर सेम रहता है, कंसिस्टेंट रहता है ओवर टाइम। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हर एक पर्सन को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। ये जो डिफरेंसेस ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डाइवर्सिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल शेप करने में हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड अराउंड देम। इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर। ये क्या होता है? पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस करती है कि किस तरीके से इंडिविजुअल जो है परसीव करे और इंटरप्रेट करे उनके एनवायरनमेंट को, एज वेल एज किस तरीके से वो रेस्पॉन्ड करे डिफरेंट सिचुएशन को और चैलेंजेस को। ये गाइड करती है बिहेवियर टेंडेंसीज, प्रेफरेंस, चॉइस अक्रॉस वेरियस डोमेन ऑफ लाइफ, कि किस तरीके से जो है पर्सन किसी भी सिचुएशन को जो है रेस्पॉन्ड करता है पॉजिटिवली नेगेटिवली, वो उसकी पर्सनैलिटी पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाई बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। जो पर्सनैलिटी होती है शेप्ड बाई होती है बोथ जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, साथ ही साथ बायोलॉजिकल सोशलाइजेशन प्रोसेस और कल्चरल इन्फ्लुएंस और लाइफ एक्सपीरियंस भी जो है इफेक्ट डालते हैं। ये जो फैक्टर ही इंटरेक्ट करते हैं इन कॉम्प्लेक्स वे टू शेप एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी। सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। पर्सनैलिटी इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। जो पर्सनैलिटी होती है ये जो है इन्फ्लुएंस होती है बाई सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, साथ ही साथ इंक्लूडिंग फैमिली डायनामिक्स, रिलेशनशिप, कल्चरल नॉर्म्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। ये सभी इन्फ्लुएंसेस करते हैं शेप करने में, डेवलपमेंट करने में पर्सनैलिटी ट्रेट्स, वैल्यू, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट कल्चर एंड सोशल कंटेक्स्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर इस सीरीज में। फ्रेंड्स, हमारी 16 वीडियोस हैं, एक बार आप सभी को जरूर देखें। और भी सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज और कंप्लीट रिवीजन हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्षित पर अवेलेबल है, एक बार आप जरूर देखें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।